सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको यह बता दूँ कि जो सी यू ई टी पी जी का एग्जामिनेशन होगा वह मार्च में तो होगा ही और इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि स्टेप वाइज यस किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं और किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल स्टेप वाइज कैसे स्टेप वाइज फॉर्म फिलअप करना है एंड इनफैक्ट दिस स्टेप वाइज सी यू टी पी ने खुद बता दिया है तो अगर यह पी आपके पास है दिस पी डी एफ आई विल बी ऑल्सो सेंडिंग टू द टेलीग्राम ग्रुप नीचे टेलीग्राम लिंक होगा उसको आप वहाँ से ले लेंगे अदरवाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड तो इस वीडियो में हम वहाँ तक देखेंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है एंड मैनी पीपल आस्किंग कि सर जे एन यू बी एच यू वगैरह भी डिले चल रहा है सी यू टी पी जी में कब आएगा तो सी यू टी पी जी है जस्ट टू रूल्स एक रूल यह कहता है कि वाईल अप्लाइंग इट सेल्फ यू कैन जस्ट एड द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल यह कहता है कि इवन आफ्टर आफ्टर द एग्जाम जब आपका एग्जाम हो जाएगा सी यू टी का इन मार्च सो योर स्कोर कार्ड वुड भी आउट योर स्कोर कार्ड वुड भी आउट इन अप्रैल जब आपका अप्रिल में स्कोर कार्ड होगा दैन सेपरेटली ठीक है विद दैट स्कोर सेपरेटली यू कैन अप्लाई ठीक है सेपरेटली यू कैन अप्लाई फोर द यूनिवर्सिटी बिकॉज यू विल हैव द मार्क्स चाहे एच सी यू हो जे एन यू हो बी एच यू हो डी यू हो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं यू कैन अप्लाई सेपरेटली विद द मार्क्स इवेन यू हैव नॉट एडेड बिकॉज यूनिवर्सिटी विल अगेन दे विल अगेन चार्ज मनी जैसे लास्ट टाइम एच सी यू नीयरली थ्री हंड्रेड ली थी आई थिंक बी एच यू भी शायद दो सौ या तीन सौ रुपये लेती है तो दैट्स वाई द मोर एप्लीकेंट सी इट्स वेरी लॉजिकल द मोर एप्लीकेंट वुड बी देयर द मोर रेवेन्यू दे विल जनरेट तो इसीलिए आफ्टर द रिजल्ट येस इवन आफ्टर द सी यू टी रिजल्ट ना सी यू टी रिजल्ट यू कैन अप्लाय तो बाद में भी अगर जे एन यू वगैरह एड होता है बी एच यू एड होता है या कोई और भी यूनिवर्सिटी एड होती है विश्व भारती एड होती है सो मनी यूनिवर्सिटीज आर देयर मोर देन हंड्रेड यूनिवर्सिटी विल भी एडेड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन विद इन वन और टू वीक ठीक है तो यू कैन एड इवन आफ्टर सी यू टी रिजल्ट नो नीट टू वरी अभी आप खाली भी छोड़ दोगे बस एक यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे लगा दोगे कोई भी तो चलेगा क्योंकि अभी जो आपसे फी लिया जा रहा है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ फॉर टू सब्जेक्ट सिक्स हंड्रेड रुपीज़ फॉर वन सब्जेक्ट या सी यू टी ले रही है राइट सी यू टी एन टी ए ले रही है फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम दिस प्राइज इज नॉट टेकन बाई यूनिवर्सिटी आफ्टर दैट देर इज जस्ट थ्री प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस एग्जाम हुआ देखिए एग्जाम हुआ ठीक है सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ आपका रिजल्ट आया रिजल्ट के बाद क्या किया आप अप्लाई किए ऑन दैट रिजल्ट अप्लाई टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और थर्ड जो आया फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ व्हाट यू हैव अप्लाइड और मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा राइट तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे आप इसको कर सकते थे यह वीडियो था कि कैसे क्या स्टेप में एडमिशन होगा चलिए आप शुरू कर सकते हैं <coughs> हाँ तो यह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सॉरी फॉर आई एम लिटरली सॉरी या उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ सी यू टी के समर्थ पोर्टल पर जाना है यह आपका मेन पेज है ठीक है जैसे ही आपका मेन पेज खुलेगा दिस मेन पेज कीप स्क्रोलिंग और आप एक बार बुलेटिन पढ़ लेंगे यहाँ पे बुलेटिन का दिया हुआ है सी यू टी पी जी समर्थ पोर्टल है ठीक है फिर आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे ठीक है जो आपका स्टेप वन रहेगा इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म आप इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेंगे हालांकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी टोल्ड ओनली बट डिस्पाइट ऑल दिस दस जैसे अप्लीकेशन को सबमिट कहाँ करना है कहाँ अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना यही साइट पर ठीक है क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी दैट यू मस्ट नो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका जो बैकग्राउंड है दैट इधर इन द ब्लैक और कलर कोई भी चलेगा विथ एट्टी परसेंट ऑफ फेस इतना ज़्यादा नहीं भी वो फॉलो करते हैं बट उसमें मास्क नहीं होना चाहिए जे या जे फॉर्मेट होना चाहिए फोटो का साइज होना चाहिए टेन के बी टू टू हंड्रेड के बी और आपका सिग्नेचर का साइज ये होना चाहिए ठीक दीज आर द मस्ट रिक्वायरमेंट यू मस्ट हैव उसके बाद क्या होगा जब आप अप्लाई कर दोगे आई विल बी टेलिंग यू द स्टेप्स आपका फी पेमेंट जो होगा यह होगा फॉर जनरल कैटेगरी जो है आपका अगर आप टू टेस्ट देते हो जैसे कोई इकोनॉमिक्स दे रहा है और कोई पॉलिटिकल साइंस दे रहा है तो टू सब्जेक्ट्स का बारह सौ बारह हंड्रेड बारह सौ रुपए हुए सिक्स हंड्रेड पर सब्जेक्ट अगर आप थर्ड सब्जेक्ट और जोड़ते हो तो सिक्स हंड्रेड लगेंगे और अठारह हो सौ होंगे और ओ बी सी का जो है थाउजेंड रुपीज़ है एस टी एस सी का है नाइन हंड्रेड एंड पी डब्ल्यू डी का एट हंड्रेड है थर्ड जेंडर का भी नाइन हंड्रेड फॉर दीज ऑल आर फॉर टू सब्जेक्ट्स ठीक है हम्म उसके बाद फिर आपका पेमेंट हो जाएगा ठीक है इट्स नॉट दैट अब आपको क्या है कि कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है दे मस्ट हैव अप्लाइड द करेक्ट मेथड अब चलिए देखते हैं भाई हमारा करेक्ट मेथड क्या है हाँ और ये पासवर्ड वगैरह का दिया हुआ है कैसे आप पासवर्ड सेट करोगे अभी हम दिखेंगे डोंट वरी विल गो डाउन एंड विल सी जस्ट इन द बिगिनिंग दे आर टेलिंग कि यू शुड यूज दिस पासवर्ड जैसे मैं नवनीत हूँ तो एक स्पेशल केस रखेंगे जैसे एन लिख दिए एट द रेट रख दिए एन ए बी एन डब्ल्यू टी लिख दिए नवनीत और वन 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 कुछ कुछ लिख दिए ठीक है सो दैट इज लाइक सी एंड कैपिटल हो गया ए एट द रेट ये हो गया फिर भी एंड डबल ई टी समथिंग लाइक दैट सो दिस हैज वन न्यूमरिकल वैल्यू वन लोअर केस वन अपर केस एंड वन दिस स्पेशल करेक्टर राइट चलिए तो हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं आप तो जैसे ही आप रजिस्टर पे जाओगे ऑन द एव पोर्टल यू विल सी लाइक दिस यह पोर्टल पे जाओगे यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे एंड आफ्टर दैट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इनिशियली वो मांगेंगे आपका नेम मांगेंगे जो भी टेंथ क्लास में आप दिए होगी जिसे जैसे मैं नवनीत हूँ तो यहाँ पे नवनीत लिख दूंगा इन्होंने कैलविन स्मिथ को लिया है दिस इज ऑल सी यू टी ऑफिशियल मैंने किसी का नहीं लिया मैंने ऑफिशियल ले लिया है सो दैट वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ठीक है चलिए इनके पिताजी का नाम लिखेंगे देन योर मदर्स नेम जो जो पूछेगा वो आप लिखते चलेंगे डेट ऑफ बर्थ जेंडर नेशनलिटी इट्स नॉट अ बिग डील जो जो पूछेंगे लिखते जाएंगे ठीक है फिर आइडेंटिटी कार्ड जो भी देना है कोई स्कूल आई कार्ड देगा कोई वोटर आई कार्ड देगा कुछ भी चलेगा कोई आधार चलेगा कोई भी चलेगा आधार कार्ड वोटर आई कार्ड कोई, कार, कार, कोई पैन कार्ड एनी यू कैन गिव सो वट नंबर इज रिटर्न जस्ट यू पुट हीर देन यू विल हैव योर परमानेंट एड्रेस जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे अकॉर्डिंग टू द आधार कार्ड पैन कार्ड मेक य्योर ताकि क्रॉस चेक करने में दिक्कत ना हो वही है ई मेल दे देंगे कन्फर्म ई मेल जरूर देख लेंगे बिकॉज दिस ईमेल आई इज वेरी वेरी इम्पॉर्ट ई मे मेल एंड फोन नंबर मस्ट वी वी आई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं पे आपका नोटिफिकेशन आएगा अगर आपको सेम एड्रेस रखना है तो क्लिक है परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे सो दैट यू विल हैव द सेम एड्रेस अगर आपको नया देना है तो नया दे देंगे परमानेंट एड्रेस फिर वही मैंने बताया था शुरू में आपको कि आपको पासवर्ड देना है तो पासवर्ड वही मिनिमम करेक्टर जो रखना है मैंने जिसे दिया था एन ए वी एन डब्ल्यू टी ए मैंने एट द रेट दे दिया था वन 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 समथिंग लाइक दट ओके सो सेम पासवर्ड देंगे देन वाट इज यूर नेबर्स पेड नेम यहाँ पे चार पाँच क्वेश्चन रहेंगे स्कूल नेम क्या था यू क्लिक सो यू कैन गिव एनीथिंग मेक्स योर यहाँ आपको याद रहे फिर सिक्योरिटी पिन जो यहाँ रहेगा जस्ट यू लाइट इट यियर ओके बस नियरली ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी का पेज है आफ्टर दैट दिस लाइक दिस यू विल हैव परू यह आपका डिटेल रहेगा सो यू कैन सी कि हाँ चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं देर इज ए नो प्रॉब्लम ठीक है आपका यह हो जाएगा स्टेप वाइज हम देख रहे हैं आफ्टर uh, looking एट द जैसे प्रजेंट एड्रेस कि यह दे दिया है हरियाणा का दिया है कोई परमानेंट एड्रेस इसने इन्होंने दिया है केरला का ठीक है <coughs> फिर उसके बाद क्या देखोगे आप पार्टिकुलर्स वेरीफाइड अब आप देख लोगे कि काइंडली वेरीफाई द ऑल लिस्टेड बिलो टू इंश्योर द करेक्ट है हाँ माई नेम है येस yes, इस पर टिक करोगे फादर्स नेम इस पे सारे पे टिक कर दोगे आफ्टर क्रॉस चेकिंग दैट और यहाँ पे क्रॉस कर दोगे और क्लिक कर दोगे सबमिट एंड सेंड ओ टी पी टू द मोबाइल कौन सा मोबाइल जो नंबर आप बिगनिंग में डाले थे ठीक है सेम नंबर ओके सो यू कैन सबमिट एंड इफ यू डोंट इफ यू वॉन्ट टू सबमिट इफ यू वॉन्ट टू एडिट द नेम एंड ऑल यहाँ पे एडिट कर दिया हुआ है यू कैन एडिट दैट ओके सो यू विल हैव अ कंडीशन लाइक दिस ठीक है इस तरह का आपका कंडीशन है देखिए कितना अच्छा सी ई है सो मनी दिस ईयर वेरी गुड स्टूडेंट फ्रेंडली जे एन यू बी एच यू भी एड हो जाएगी डोंट वरी तो आप यहां पे इसको ऐड कर दोगे ठीक है यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक हो गया अब नेक्स्ट चलेंगे अब आपका भाई हमारा रजिस्टर हो गया ठीक है अब रिव्यू क्या होगा इस तरह से आपका रिव्यू लगेगा ठीक है द मोमेंट यू विल अप्लाई जैसे मोहन सोहन राजेश नवनी जो भी रहेगा उनका अपना डिटेल्स रहेगा एंड प्लीज डोंट फिल द सेम डिटेल फिल योर ओन डिटेल्स आप अपना डिटेल भरेंगे इस तरह से आपका पूरा रिव्यू दिखेगा फिर आपको जो ओ फोन पे आएगा मोबाइल नंबर जो आप स्टार्टिंग में दिए थे सेम ओ आपको यहाँ पर डालना है एंड यू विल सबमिट दैन आफ्टर सबमिशन क्या होगा आपका अप्लीकेशन जो है पर्सनल डिटेल कुछ इस तरह से दिखाएगा लाइक दिस ठीक है अब यहाँ पे सारे पर्सनल डिटेल्स आपको जो जो है वो भर देने हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है फादर का मदर का मदर क्वालिफिकेशन और एक चीज़ याद रखिएगा जहां जहां स्टार लिखा हुआ है सिर्फ उसको भरेंगे मेनी प्लेसेज स्टार इज नॉट देर जैसे मदर्स क्वालिफिकेशन में स्टार अगर नहीं है तो इसको नहीं भरेंगे ठीक है प्लीज मेक श्योर जहां जहां स्टार है उसको भरेंगे दैट इज मैंडेटरी स्टार अगर दोनों भरना है तो इट्स ओके इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू कैन स्किप स्टार इज मस्ट जहां पे भी स्टार रहे दैट इज मस्ट जहाँ पे स्टार ना नॉट रहे दैट इज ऑप्शनल इट्स अप टू यू चलिए तो हमारा इस तरह से भाई पूरा एड्रेस हो गया और यहाँ पे हम सेव कर देंगे पर्सनल डिटेल यहाँ पे सेव क्लिक कर दिए तो हमारा सेव हो गया अब आ जाएगा हमारा रिव्यू के लिए फाइनल रिव्यू देखिए इसके बाद फिर पेमेंट होगा तो इस तरह से हमारा फाइनल रिव्यू हो गया मदर्स क्वालिफिकेशन फादर्स क्वालिफिकेशन इसलिए देते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप में ये सब चेक किया जाता है एंड ऑल्सो टू चेक द नॉन क्रीमी लेयर या ई ताकि क्रॉस चेक हो सके सपोज दैट आप ई हो ठीक है एंड इनकम आपका होना चाहिए लेस देन एट लाख रुपीज़ और आप वहाँ पर टेन लाख भर दिए हो तो फॉर्म जब वेरीफाई होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम ई और यू विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम जनरल कैटेगरी फिर प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा एजुकेशनल डिटेल रहेगा एजुकेशनल डिटेल में वही हम अपना नाम देंगे शुरू में क्या क्या, क्या था देखिए यह था पर्सनल डिटेल एंड आफ्टर पर्सनल डिटेल्स वी विल हैव एजुकेशनल डिटेल ठीक है जो भी था पासिंग ईयर क्वालिफाइंग है रिजल्ट स्टेटस क्या है अवेटेड दे देंगे पासिंग ईयर जब आप कर रहे हो ट्वेंटी थ्री में तो ट्वेंटी थ्री लिखेंगे ट्वेंटी टू में हो तो ट्वेंटी टू करेंगे एंड यू मस्ट पास इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दट इज द ओनली रिक्वायरमेंट पीपल वर आस्किंग अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड ऑल मैं एलिजिबिलिटी में वही बोल दूंगा कि जो भी सी यू टी पी जी में इस बार अपेयर होना चाह रहे हैं यू जी जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए मस्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर चाहे जून में हो जुलाई में हो सेप्टेम्बर अक्टूबर तक जब तक हो कंप्लीट हो जाना चाहिए ठीक है और इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम दे देंगे ये पॉसिबल है तो आपका थर्ड ईयर का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा कुछ भी चलेगा एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन यू सेव ठीक है यह आपका फिर प्रिव्यू में आ जाएगा यू कैन सी हियर दिस इज योर एजुकेशनल डिटेल टेंथ हो गया ट्वेल्व हो गया के वी से ये पढ़े हुए हैं जो भी रहे योर परसेंटेज मार्क्स जी पी ए टोटल मार्क्स जो भी रहेगा आप अपना दे दोगे कंप्लीट डिटेल

देन कम्स ऑर एग्जाम सेंटर सेलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आप टोटल जो है दो प्रीफ्रेंस देंगे एक तो स्टेट देंगे फिर सिटी फिर स्टेट देंगे फिर सिटी सपोज डेट आई एम स्टेइंग इन हैदराबाद तो यहाँ पर मैं दे दूंगा तेलंगाना और सिटी में दे दूंगा वारंगल या हैदराबाद फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार उस दिन मैं शायद नहीं रहूँगा तेलंगाना में ऑन द डे ऑफ एग्जाम तो आई विल भी इन सपोज दैट दिल्ली तो यहाँ पे आप जो भी रहेगा दे देंगे यूपी दे देंगे बिहार दे देंगे सो टू प्रिफ्रेंस आप दे सकते हैं राइट टू डिफरेंट स्टेट्स के टू डिफरेंट सिटी के अगर आपको एक ही स्टेट देना है तो मैं यहाँ दो दो बार तेलंगाना दे दूंगा एक बार हैदराबाद दे दूंगा एक बार वारंगल दे दूंगा लाइक दैट एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन टू द सेव आफ्टर सेव के बाद क्या होगा हियर इज योर फाइनल ठीक है यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है एक हरियाणा में दे दिया है फरीदाबाद और एक इन्होंने हिमाचल में दे दिया इनको लगा मैं हिमाचल में रहूँगा मार्च में तो यू कैन डू देट और ठीक है पे फिर प्रोसीड टू द नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लिक कर देंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन फिर यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव द सेक्शन देखिए मैं आपको बोला था ना गाइज माई डियर फ्रेंड्स प्लीज ट्राइ टू अंडरस्टैंड मैं बता रहा हूँ ना समाइम्स आई फील प्राउड माइ सेल्फ की देखिये नवी नॉमिक्स आप अगर आप फॉलो कर रहे हैं ट्रस्ट मी जस्ट स्लीप यू स्लीप आपको सी यू टी पी जी को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है सारा अपडेट यहाँ मिलेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी नेट जे आर एफ का कोर्स लेना चाह रहे हैं सी यू टी पी जी इकोनॉमिक्स के कोर्स लेना चाह रहे हैं कोर्स डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं फ्री ट्वेंटी डेमो लेक्चर हैं ठीक है उसको आप पहले वॉच कर लेंगे फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे ओके ऐप डाउनलोड कर लेंगे सारा कुछ डिटेल आपको लास्ट में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा बॉटम साइड में ठीक है तो इट्स रिटर्न हियर कंप्लीटली यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी कोई एक यूनिवर्सिटी भर दो मेरे भाई जस्ट यूनिवर्सिटी नेम डी यू जी एन यू वाट एवर एंड योर प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड ना कि ईवन आफ्टर यू कैन एड एड का ऑप्शन हमेशा रहेगा यू कैन एड एंड इवन आफ्टर सी यू टी पी जी एग्जाम सी यू टी पी जी एग्जाम जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना तो यू कैन अप्लाई ट्रस्ट मी यू कैन अप्लाई ठीक है इंपॉर्टेंट नोटिस यह है कि सी टी पीजी इनेबल्स कैंडिडेट टू अप्लाई वन और मोर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्रिटेरिया जैसे आप एच यू का देखोगे जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ट्वेल्थ में मैथ्स कंपलसरी है इवन टफर दे एस सी डीएससी में तो यह रखे हैं अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स एक पेपर है तो चल जाएगा लेकिन यहां पर ट्वेल्थ में मैथ्स कंपलसरी रखें एस यू में दैट्स वाइट इज से मस्ट रीड द एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया फिर कैंडिडेट नीड्स टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट लैंग्वेज एज पर मैपिंग द यूनवर्सिटी जैसे आप कोई वर्धा है तो वर्धा में हिंदी में सिर्फ पढ़ाई होती है वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती है कोई भी सब्जेक्ट हो एनी सब्जेक्ट इन हिंदी मीडियम ठीक है तो सिमिलरली यू कुड चूज तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे देंगे यहाँ पे प्रोग्राम दे देंगे, ठीक है जो भी प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है पीजी इकोनॉमिक्स जो भी है यूनिवर्सिटी सपोज दैट मैंने एच दे दिया अभी एच तो दिख रहा है बाद में हम ऐड कर लेंगे यू कैन ऐड फिर अप्लीकेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ठीक है जैसे इन्होंने एमई यूनिवर्सिटी को दिया है और प्रोग्राम यहां पर दे दिया है तो यू कैन चूज यहाँ पे यूटी लिखा फिर इन्होंने प्रोग्राम नेम इनको कॉमर्स चाहिए था सब्जेक्ट कोड इन्होंने ये रखा एंड लाइक दिस ओके सो पर्सनल डिटेल डन यू कैन सी हियर ग्रीन देन एजुकेशनल डिटेल डन देन एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल डन देन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डन फिर आपका क्या होगा ये डिटेल अपलोड करना है दो और तीन और बचे हुए हैं ठीक है चलिए उसको भी हम देख लेते हैं दो तीन पेज और है फिर एप्लीकेशन रिव्यू प्रोग्राम सिलेक्शन यहाँ पे प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाएंगे आफ्टर दैट क्या होगा टेस्ट पेपर सिलेक्शन टेस्ट पेपर सिलेक्शन का मतलब यह हुआ कि आप कौन कौन सा एग्जाम देना चाह रहे हैं ठीक है जैसे हियर दिस सब्जेक्ट दे हैव सेलेक्टेड सो यू कैन सेलेक्ट वन टू थ्री वट्स ओ एवर सब्जेक्ट सेलेक्शन है यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स का है तो वहाँ पे सी जी पी क्यू टेन हो जाएगा एम uh, एड का रहेगा तो सी पी जी क्यू फिफ्टीन रहेगा इस तरह से कुछ है ठीक है इसको आप पढ़ लेंगे लैंग्वेज वाला बात आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे फाइनल हो जाएगा आपका टेस्ट पेपर आपका ये ये है और ये ये सब्जेक्ट है एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर हिंदी या इंग्लिश जो भी देना है ठीक है मोस्टली पीपल इंग्लिश देखते हैं अब यहाँ पे हम एक बार यह देख लेंगे कि आपने क्या सेलेक्ट किया है दिस विल वि योर प्रिव्यू पेज यहाँ पे प्रिव्यू पेज आएगा या यू कैन सी दिस थिंग्स यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड क्लिक ऑन द प्रोसीड टू द नेक्स्ट फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है दिस इज़ वेरी फाइनल एंड इम्पोर्टेंट फिर आपका पेमेंट होगा जस्ट दो तीन पेज और है जस्ट मिनट आई विल टेक तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स दो तीन अपलोड होना चाहिए एक तो फोटो होना चाहिए इस तरह का फोटो होगा देखिए फोटो इज विजिबल फोटो का क्या रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है फोटो का साइज रहेगा टेन टू टू हंड्रेड के भी ठीक है आप गूगल पे भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट गो टू द रिसाइज इमेज और वहाँ पे जो भी लिखोगे आपको कर देगा फिर इमेज आपका जो सिग्नेचर रहेगा सिग्नेचर का साइज फोर के बी टू थर्टी के बी रहेगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं और सर्टिफिकेट जो रहेगा टेंथ क्लास का सर्टिफिकेट रहेगा टेंथ क्लास का उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है पी क्लियर सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेक्स्ट है हमारा प्रिव्यू पेज योर प्रिव्यू पेज वुड लाइक लाइक दिस तो यहाँ पर लिखा हुआ रिव्यू ऑफ द पार्टिकुलर इट वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स सो यूजिंग लेफ्ट लिंक फाइनल सबमिट यहाँ पर करेंगे अगर आपको <coughs> कुछ लग रहा है कि एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट करेंगे अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सबमिट आप यहाँ पे कर देंगे ये सब सारा प्रिव्यू देख लिए हमने सारा प्रिव्यू देख लिया देख लिया देख लिया एक एक चीज़ देख लेंगे आप प्लीज़ मेक श्योर गलती ना करें हु नोज कुछ रिजेक्शन उधर से कर दे और टेंशन ना लें टेंशन बिल्कुल ना लें जब हो जाएगा तो आपको एग्जाम देने तो जरूर दिया जाएगा देखिए सारा फाइल हो गया फी डिटेल्स हो गया तो फी इन्होंने थ्री सब्जेक्ट्स दे चूजे तो थ्री सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स हंड्रेड दैट इज एटीन हंड्रेड रुपीज राइट सो ठीक है पार्टिकुलर्स चेक लिस्ट चेक लिस्ट में आप देख लेंगे क्या सही है माई फादर्स नेम यह दे रहे हैं इस पर टिक करेंगे इस पे टिक करेंगे इस पे टिक करेंगे यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक थ्री टाइम्स दे हैव गिवन टू क्रॉस चेक एवरीथिंग पे आप टिक कर देना है ग्रीन कलर से और यहां पर आपका फाइनल आ जाएगा दिस इज योर फाइनल अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन अप्लाई फ़ी लेना और फिर आपका फी पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देंगे एंड आफ्टर दैट आपको फ़ी पेमेंट कर देंगे फी पेमेंट आप किसी भी थ्रू कर सकते हैं बैंक अकाउंट का जो आपका कार्ड नंबर रहेगा उससे कर सकते हैं यू पी से कर सकते हैं नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और उस रिसीट का स्क्रीन आप ले रख लेंगे चलिए चलिएगा थैंक यू सो मच कोई होप कि यह वीडियो फ्रूटफुल रहा और यह मैंने ऑथेंटिक लिया है या सी का लिया है यह मेरा अपना नहीं है किसी फ्रेंड का नहीं है मैंने जान के सी को लिया कि कल हो के कोई अगर क्लेम कर सके तो वह पता कर सके कि कहाँ से आप लिए हैं तो ऑथेंटिसिटी इज देयर वी बिलीव इन ऑथेंटिसिटी एंड मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है या सीयूटी जो है इकोनॉमिक्स का कोर्स डिस्क्रिप्शन है नवीनोमिक्स का बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन लिंक देर विल बी ट्वेंटी फ्री डेमो लेक्चर्स यू प्लीज ज्वाइन आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर सो दैट यू कुड सी की हाँ क्वालिटी ऑफ क्लास इज देयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे काफ़ी मेहनत और काफी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फुल ऑथेंटिसिटी टिल एडमिशन रहेगा ठीक है थैंक यू सो मच गैज होप वीडियो वॉज वेरी फ्रूटफुल टू यू और एक बार इसको आप रिकैप करके कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे एंड इनफैक्ट आई वुड से कि वाईल अपलाइड इट सेल्फ ना यू कैन जस्ट प्ले दिस वीडियो तो सो दैट की यू कैन जस्ट गो विद मी ओके चलिए थैंक यू सो मच गैज बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्लीज जॉइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग सी यू जी सी यू टी पी जी एग्जामिनेशन और जे एन यू बी एच यू भी एड हो जाएगा एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन इवन यू कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी जिसके कि आप एड नहीं किए थे होप इट्स क्लियर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो हु सो एवर इज अपलाइंग ऑल एंड एवरी डाउट विली आई थिंक डिस्ट्रो एड चलिए थैंक यू सो मच गैज बाय बाय टेक केयर